सावन के महीने का आगाज होने वाला है। इस माह भोले के भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर देखते हैं। इस माह सबसे ज्यादा विशेष महत्व होता है कावड़ का। जी हाँ, माना जाता है इस माह जो भक्त बाबा की कावड़ लेकर आता है उसके सभी सपने पूरे हो जाते हैं। यह भी कई प्रकार की होती है। आज के समय में श्रावण मास की कावड़ का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने के बाद से 4 महीने तक बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके लिए हरिद्वार से जल लेकर बहुत बड़ी संख्या में कावड़ी अपने आसपास के शिवालयों में चढ़ाते हैं। इस दौरान 15 दिन तक सड़कों पर आते कावड़ के जत्थे मन को मोह लेते हैं। इसमें बाबा के भक्त दौड़कर बैठकर ये डाक कावड़ के रूप में हरिद्वार से जल लेकर आते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि हरकी पौड़ी से जल भरकर एक बार कावड़ उठाने के बाद शिव भक्त कावड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। यात्रा चाहे कितनी भी दिन की हो लेकिन शिव भक्त कावड़ को अपने घर की जमीन पर ही रखते हैं। इसी के चलते सड़कों पर कावड़ लेने वाले भक्त बाबा भोलेनाथ के गाने बजाते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा आप सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस कदर भक्तों की भीड़ भोलेनाथ के प्रति देख रही है। दौड़ते भागते कड़ी मेहनत और देह में दर्द का एहसास भी इनको नहीं हो रहा है। यह भक्त केवल बाबा की भक्ति में मशगूल नजर आ रहे हैं। शिव गानों की गूंज पर इनके पैर अपने आप थिरक रहे हैं। इनकी भक्ति देख बाबा भोलेनाथ भी इनके दीवाने हो जाते हैं। भोलेनाथ की कावड़ के कुछ नियम होते हैं। आपको बता दें, पंचकों में शिव भक्त कावड़ नहीं उठाते हैं। कहा जाता है इस दौरान लकड़ी से बने कोई भी सामान नहीं खरीदे जाते, जबकि कावड़ पूरी तरह से लकड़ी व बांस से तैयार होती है। इसी के चलते भक्त पंचक शुरू होने से पहले कावड़ खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो पंचक में कावड़ उठा लेते हैं। भोलेनाथ की कावड़ 5 तरह की होती है। वो होती है बैठी कावड़, खड़ी कावड़, दौड़ती कावड़, दंडौती कावड़, मनौती कावड़। इसी के आधार पर भक्त कावड़ लेकर यानी कि कावड़ भर कर लाते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।